तो बच्चों हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 7 समाकलन का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने खंडशह विधि के द्वारा समाकलन निकालना सीखा था, जिसके अंतर्गत हमने दो फलनों के गुणन के रूप में अगर हो तो हमें उनका समाकलन कैसे निकालना है। दो फलन है हमारे पास, एक एफ एक्स है और एक जी एक्स है। ये फलन एक दूसरे के अवकलज नहीं है। अगर ये अवकलज होते तो हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समाकलन निकाल लेते। यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का उपयोग नहीं कर सकते तो हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स खंडशह विधि के द्वारा समाकलन सीख रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि एफ एक्स जी एक्स दो फलन है, उनका समाकलन करना है तो प्रथम फलन दूसरे फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन दूसरे फलन का समाकलन। ठीक है बच्चों, तो प्रथम फलन द्वितीय फलन इस प्रकार हमने बांट करके, तो यहां पे इंपॉर्टेंट था कि पहले फलन और दूसरे फलन का चुनाव। तो बच्चों हमने देखा था कि पहले फलन और दूसरे फलन के चुनाव के लिए हमने आइलेट का यूज किया था। आइलेट के माध्यम से हमने प्रथम फलन और द्वितीय फलन का चुनाव किया था। आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होता है, एल लॉगरिथमिक फंक्शंस होता है, ए एल्जेब्रिक फंक्शंस, टी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं और ई एक्सपेंशनियल फंक्शंस होते हैं। इन प्रकार के फंक्शनों को इस क्रम में लेकर के हम उनका क्या करते हैं, चुनाव करते हैं कि फर्स्ट फलन कौन सा होगा और सेकंड फलन कौन सा होगा। तो अगर इस क्रम में है तो हम पहला इसको लेंगे, फिर इसको ऐसे, तो ये क्रम को ध्यान में रखना हमें लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि एक्स की पावर एन हो, एक्स की पावर एन का मतलब एक्स हो या एक्स स्क्वायर हो, एक्स की घात 3 हो, ऐसे एक्स की पावर एन वाले अगर कोई फंक्शन हो तो जनरली हम उसको फर्स्ट फलन लेते हैं और द्वितीय फलन सेकंड फलन उसको लेते हैं जिसका हमें समाकलन ज्ञात हो। और हमने देखा था कि अकेला log x हो तो हम उसको एक मान करके log x को साथ में एक और लेकर के उसको सेकंड फलन ले लेते हैं और इसको फर्स्ट फलन लेकर के फिर हम उसका समाकलन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं उदाहरण नंबर 19। देखिए बच्चों, एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। बच्चों हमें इस फलन का समाकलन करना है। दो फंक्शन है, एक एक्स है और दूसरा एक हमारे पास में है एक्स है और दूसरा हमारे पास में ई की पावर एक्स है। दो फलन है और गुणा में है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम आइलेट का यूज करते हैं। सबसे पहले और वो हमने बताया भी है कि x का पावर n हो तो जनरली हम उसको फर्स्ट फलन लेते हैं, तो हम इसको फर्स्ट फलन ले लेते हैं और e की पावर x को सेकंड फलन ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए सूत्र का उपयोग करते हैं। समाकलन है, दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स डी एक्स, ये फर्स्ट लिया और ये सेकंड। तो फर्स्ट फलन एफ एक्स ऐसे के ऐसे, दूसरे फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स और दूसरे फलन का समाकलन। ठीक है बच्चों, अब इस फॉर्मूले का यूज करते, फर्स्ट फलन अपने पास में x है और सेकंड फलन e की पावर s है, इसलिए i बराबर x e की पावर x dx। देखिएगा बच्चों, अभी x फर्स्ट फलन, समाकलन दूसरे फलन का e की पावर x dx माइनस समाकलन प्रथम फलन का अवकलन d अपॉन डी एक्स प्रथम फलन x समाकलन सेकंड फलन का समाकलन e की पावर x dx और पूरे का समाकलन।
ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अभी एक्स ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स ही होता है, माइनस देखिए यहाँ पे अभी डी अपॉन डी एक्स, एक्स एक्स का अवकलन करते हैं तो वन, और ई की पावर एक्स का समाकलन करेंगे तो ई की पावर एक्स, और ये डी एक्स बच्चों। अभी देखिए एक्स ई की पावर एक्स, अगेन ई की पावर एक्स का समाकलन करते हैं तो क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे ई की पावर एक्स, और ये कॉन्स्टेंट बच्चों। है ना आसान बच्चों, फॉर्मूला लगाया और हमने समाकलन अवकलन किया और आंसर प्राप्त हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, उदाहरण नंबर 20। देखो बच्चों इंपॉर्टेंट है, एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बच्चों समाकलन करना है हमें, देखिएगा प्रथम फलन और सेकंड फलन मानना जरूरी है। देखिएगा आइलेट का यूज करते हैं, इनवर्स फंक्शंस भी है और हमारे पास में ये है, तो इनवर्स फंक्शंस को हम फर्स्ट ही मानते हैं, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्रथम फलन हो जाएगा। और x अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर द्वितीय फलन हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए फॉर्मूला हमें पता है कि समाकलन निकालना हो एफ एक्स और जी एक्स डी एक्स का, जहाँ पे ये एफ एक्स फर्स्ट हो और जी एक्स सेकेंड हो, अर्थात एफ एक्स प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन दूसरे का समाकलन का समाकलन। देखिएगा बच्चों इसलिए आई बराबर क्या है हमारे पास में, फलन एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखिएगा बच्चों तो साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स प्रथम फलन है और एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड फलन है, इसलिए प्रथम फलन साइन इनवर्स एक्स दूसरे का समाकलन, तो एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्रथम फलन का अवकलन डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स और दूसरे फलन का समाकलन, तो एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और पूरे का समाकलन। देखिएगा बच्चों अभी अब दूसरे फलन का समाकलन निकाल लेते हैं और हमें पता है, वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं पर एक बार यहाँ पे सीख लेते हैं उसके बाद यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिएगा बच्चों तो x अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका हमें समाकलन निकालना है तो क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि यूज कर लेते हैं, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर को t माना, अवकलन किया तो टू एक्स डी एक्स माइनस बराबर डी टी, तो x डी एक्स बराबर माइनस डी टी अपॉन टू। तो देखिएगा बच्चों पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये वन बाई टू और ये माइनस ये डी टी अपॉन रूट टी, और इसका हमें वन अपॉन रूट टी का समाकलन अच्छी तरह से आता है, तो ये माइनस वन बाई टू ऐसे कैसे और टू रूट टी। ठीक है बच्चों,
अब हम टी का मान यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखिएगा। तो ये 2 से तो 2 कैंसिल, माइनस टी हमने क्या लिया था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो बच्चों, समाकलन x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का समाकलन हमने निकाल लिया, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा, इसलिए I बराबर साइन इनवर्स x समाकलन x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स समाकलन d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x समाकलन x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का समाकलन। बच्चों तो साइन इनवर्स x तो ऐसे कैसे, समाकलन x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह लिख देंगे माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो बच्चों, माइनस d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का अवकलन हमें पता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसका समाकलन यहाँ निकाल लिया तो माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बच्चों पूरे का समाकलन। ठीक है बच्चों, बड़ा इजी है, सोल्व करते जा रहे हैं, देखिएगा। माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये साइन इनवर्स x, तो ऐसे के ऐसे। देखो बच्चों, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 1 dx। और बच्चों माइनस है तो ये माइनस माइनस, ये प्लस का हो जाएगा बच्चों। अब देखिएगा, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस dx का x, और ये कांस्टेंट बच्चों, यही हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 21। बच्चों ऐसे उदाहरण एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, या ऐसे भी पूछ सकता है e की पावर x cos x dx, ये भी या ये भी, दोनों एक ही तरीके से होंगे। देखिएगा अभी, इसको i के बराबर मान लेते हैं, माना e की पावर x साइन एक्स डी एक्स। देखिएगा बच्चों, अभी फर्स्ट फलन और सेकंड फलन देख लेते हैं अभी। तो देखो, ये तो सबसे लास्ट में है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ये पहले आ रहा है, तो ये फर्स्ट फलन और ये सेकंड फलन। अब देखिएगा बच्चों, एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, फॉर्मूला बार बार लिखो ताकि हमें अच्छी तरह से याद हो जाए। देखिएगा, प्रथम फलन ऐसे की ऐसे, द्वितीय फलन का समाकलन, प्रथम फलन का अवकलन, द्वितीय फलन का समाकलन का समाकलन, इसलिए आई बराबर, देखिएगा, प्रथम फलन साइन एक्स, द्वितीय फलन का समाकलन, तो e की पावर एक्स डी एक्स माइनस प्रथम फलन का अवकलन d अपॉन डी एक्स, प्रथम फलन है साइन एक्स और द्वितीय फलन क्या है, e की पावर एक्स का समाकलन का समाकलन। देखिएगा बच्चों, सोल्व करते हैं अभी,
साइन एक्स ऐसे के ऐसे, और ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स ही होता है, माइनस समाकलन, देखो बच्चों डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें, कोस एक्स, तो ये कोस एक्स, और ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है बच्चों, और ये पूरे का समाकलन डी एक्स। अब देखो बच्चों, फिर हमारे पास में दो फंक्शंस आ गए, गुणा में आ गए, फिर हम इसको प्रथम फलन और द्वितीय फलन मानते हैं, तो देखो ये फर्स्ट है और ये सेकंड, फिर यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला, तो देखिएगा साइन एक्स ई की पावर एक्स ऐसे के ऐसे माइनस, अब देखो यहाँ पे प्रथम फलन कोस एक्स ऐसे के ऐसे, दूसरे फलन का समाकलन ई की पावर एक्स माइनस, और ये माइनस से गुणा होगा तो प्लस, माइनस फॉर्मूले का और माइनस ये वाला तो प्लस। अब देखो प्रथम फलन का अवकलन डी अपॉन डी एक्स, प्रथम फलन कोस एक्स है, और सेकंड फलन ई की पावर एक्स का समाकलन का समाकलन, देखिए बच्चों अभी साइन एक्स ई की पावर एक्स ऐसे के ऐसे माइनस कोस एक्स, और ई की पावर एक्स तो ई की पावर एक्स ही होगा समाकलन, प्लस यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है बच्चों, और ये डी एक्स बच्चों, प्लस माइनस का ध्यान रखना है और अवकलन और समाकलन का भी ध्यान रखना है हमें, साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस कोस एक्स ई की पावर एक्स, देखिएगा बच्चों ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस, फिर हमें समाकलन करना है साइन एक्स का, और साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कोस एक्स, तो अगेन ये प्लस का हो गया, ठीक है बच्चों साइन एक्स का, अब हम समाकलन करेंगे तो क्या होता है कोस एक्स, तो यहां लिखेंगे कोस एक्स और ई की पावर एक्स, और बच्चों ऐसा नहीं करते हैं, देखिए इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर हमें फंक्शन मिल जाएगा, देखो अभी ये हो जाएगा माइनस समाकलन साइन एक्स और ई की पावर एक्स और डी एक्स, अब देखो इसको देखने से कुछ पता लग रहा है, हाँ लग रहा है, क्योंकि हमने आई जो माना था साइन एक्स और ई की पावर एक्स डी एक्स, इसी को तो हमने आई माना था, तो यहाँ पे हम आई पुट कर देते हैं, इसलिए ये आई बराबर साइन एक्स ई की पावर एक्स ये वाला माइनस कोस एक्स ई की पावर एक्स, और माइनस इसको इसकी जगह हमने आई लिख दिया क्योंकि ये हमने माना था देखिए बच्चों इस आई को हम इधर ले आते हैं तो यहाँ तो हो जाएगा टू आई बराबर साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस कोस एक्स और ई की पावर एक्स देखिएगा बच्चों अभी ई की पावर एक्स कॉमन है तो ले लेते हैं ई की पावर एक्स तो यहाँ साइन एक्स है और यहाँ पे कोस एक्स है ठीक है बच्चों हमें तो आई निकालना है तो ये टू आई के बराबर चल रहा है तो आई निकालेंगे तो ई की पावर एक्स अपॉन टू ई की पावर ये भाग में चला गया साइन एक्स माइनस कोस एक्स और ये समाकलन लिए तांक लगा देते हैं बच्चों यही हमारा आंसर है बच्चों इस क्वेश्चन को एक तरीके से और भी कर सकते हैं
हम साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लें, प्रतिस्थापन विधि यहाँ पे, तो एक्स बराबर तो हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ से हम उसका अवकलन करते हैं, देखिएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा का अवकलन करेंगे तो वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी थीटा। तो देखिएगा बच्चों, इसलिए हमारा फंक्शन है एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। वैल्यू पुट कर देते हैं तो एक्स तो हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा, और साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा थीटा अपॉन ये अपना डी एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी थीटा के, तो ये डी थीटा बच्चों, और ये समाकलन। अब हम प्रथम फलन और द्वितीय फलन लेके भी इसको समाकलन कर सकते हैं, ये हमारा प्रथम फलन हो जाएगा और ये सेकंड फलन हो जाएगा, क्योंकि ये x का पावर n हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसको अभी आगे स्वयं करें। फॉर्मूला यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब क्या करते हैं, हमारे पास में इस प्रकार का फंक्शंस हो, कैसा, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैक्स एक्स और डी एक्स, ऐसे फलन का हमें समाकलन निकालना हो तो बच्चों इसका डायरेक्ट है कैसे है वो भी बताएंगे। देखिए, तो इस प्रकार का कोई हमारे पास फंक्शन हो कि e की पावर x गुणा में हो और एक एफ एक्स और उसका डेरिवेटिव एफ डैक्स एक्स है, तो हम सीधा ही e की पावर x एफ एक्स प्लस सी आंसर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, कैसे, देखिए, पहले हम क्या करते हैं, e की पावर x इसके साथ भी इसके साथ गुणा करके अलग अलग समाकलन कर लेते हैं, तो e की पावर x एफ एक्स डी एक्स और e की पावर x एफ डैक्स एक्स डी एक्स अलग अलग लिख के दोनों के साथ समाकलन कर लिया। फिर हमने इसको एक नया फंक्शंस लिया आई वन, और इसको नया फंक्शंस लेके ये वाला प्रथम फलन और इसको सेकंड फलन लेकर के फॉर्मूला लगाया। देखिए बच्चों, इसको हमने आई वन लिया और ये ऐसे कैसे रखा, जहां आई वन पता ही है e की पावर x एफ एक्स डी एक्स है। अब आई वन निकालेंगे तो ये प्रथम फलन हो जाएगा और ये सेकंड फलन हो जाएगा, हमें पता ही है, आई लेट लगा देंगे आई। ठीक है बच्चों, तो ये तो सबसे लास्ट में है और ये फलन पहले है, तो फर्स्ट और सेकंड। अब देखिए, तो यहाँ से यही बात लिखी है कि एफ एक्स को हमने प्रथम फलन और e की पावर x को द्वितीय फलन ले लिया, क्यों लिया, आइलेट से। अब देखो, अब हमने फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, प्रथम फलन दूसरे का समाकलन, समाकलन, फिर हमने क्या किया, प्रथम फलन का अवकलन, दूसरे का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। अब देखो, ये आई वन का मान वापस हम, देखिए बच्चों, वापस हम यहाँ पे रख देते हैं इधर इस आई वन की जगह, तो ये रख दिया हमने आई वन का मान यहाँ पे रख दिया, तो e की पावर x एफ एक्स माइनस समाकलन एफ डैक्स एक्स e की पावर x डी एक्स प्लस एफ एक्स और एफ डैक्स एक्स, ये से ये कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, तो क्या प्राप्त हो गया, e की पावर x एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो इस प्रकार के फलन हो तो सीधा ही हम क्या कर देंगे उसका, e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, अगर हमारे पास में e की पावर x के साथ में एफ एक्स हो और उसका अवकलन हो और उसका समाकलन दे रखा है हमें निकालना है, तो सीधा ही e की पावर x और एफ एक्स लिखेंगे और कॉन्स्टेंट लगाएंगे।
बस हमें जरूरी निकालना है कि कौन सा फलन है और जिसका अवकलन भी है। ठीक है बच्चों, देखते हैं उदाहरण से इनको समझते हैं। देखिएगा, e की पावर x टेन इनवर्स x प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बच्चों इसका हमें समाकलन निकालना है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। कैसे, देखिए एफ एक्स बराबर टेन इनवर्स x लेते हैं और इसका अवकलन करते हैं, तो एफ डेक्स x अवकलन हमें पता ही है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे, और हम जानते हैं कि e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डेक्स एक्स इस प्रकार का कोई फंक्शन हो और उसका समाकलन निकालना हो, तो सीधा ही e की पावर x और एफ एक्स लिखते हैं बच्चों। अब देखिए, इसलिए हमारा जो फंक्शंस है e की पावर x टेन इनवर्स x प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये एफ एक्स हो गया और ये एफ डेक्स एक्स हो गया। इसलिए आंसर सीधा ही लिखेंगे e की पावर x टेन इनवर्स x प्लस सी। और ये कैसे प्राप्त होता है, अभी हमने प्रूफ किया था। ठीक है बच्चों, तो मेन बात हमारे पास में क्या है कि हमें ये पता करना है कि कौन सा फलन एफ एक्स है और कौन सा एफ डेक्स एक्स है, अर्थात उसका अवकलन है। ठीक है बच्चों, तो ये एफ एक्स हो गया और ये एफ डेक्स एक्स हो गया। और उदाहरण देखते हैं, देखिए बच्चों, अब की बार उदाहरण थोड़ा अच्छा है, देखिए कैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन और e की पावर x अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स। देखो बच्चों, एफ एक्स और एफ डेक्स एक्स रूप तो है, पर हमें उस रूप में लाना है तो कुछ इसमें तोड़ जोड़ करते हैं ताकि हमें ये इजीली दिख जाए कि एफ एक्स और एफ डेक्स एक्स है। देखो बच्चों क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर तोड़ जोड़ करते हैं, इसमें माइनस वन प्लस वन कर दिया हमने, एक माइनस वन घटाया और प्लस वन इसमें जोड़ दिया, और ये प्लस वन ऐसे के ऐसे ही है, कर सकते हैं, वापस हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन ही रहेगा। देखो बच्चों, और ये e की पावर x अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर। अब देखिएगा, अब हम x स्क्वायर माइनस वन को एक बार इसके साथ लिखते हैं और टू को भी इसके साथ लिखते हैं, तो देखिएगा तो ये x स्क्वायर माइनस वन के साथ में भी हमने हर लिख दिया, तो x प्लस वन का होल स्क्वायर और ये प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोलते हैं, तो एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन और हर में है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और यहां पे कुछ नहीं करते हैं, तो टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। हमें इसको एफ एक्स बना रहा है और इसको एफ डेक्स एक्स बनाना है, देखिएगा अभी। और बच्चों ये e की पावर x भी साथ में चल रहा है, e की पावर x। ठीक है बच्चों, e की पावर x,
आगे देखिए, x प्लस वन एक घात से इसकी एक घात कैंसिल हो जाती है, तो यहाँ तो e की पावर x है। ठीक है बच्चों, ये पूरे के साथ में है तो हम e की पावर x, ठीक है बच्चों, ऐसे ही यहाँ पे भी है। अब देखिए, तो यहाँ तो बच रहा है x माइनस वन अपॉन x प्लस वन, और यहाँ पे 2 अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर। dx, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, ये fx है, fx बराबर x माइनस वन अपॉन x प्लस वन, और इसका हम अवकलन करते हैं तो f(x) x बराबर 2 अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर। इसका अवकलन d अपॉन dx यू वी वाले फॉर्मूले से, ठीक है बच्चों, ये वी स्क्वायर और वी डी एक्स अपॉन यू माइनस ये यू डी अपॉन डी एक्स वी, इस वाले फॉर्मूले से हम इसका अवकलन करते हैं तो ये प्राप्त होता है। इसलिए e की पावर x है और ये एफ एक्स है प्लस एफ डेक्स एक्स है और डी एक्स है बराबर होता है e की पावर x है एफ एक्स डी एक्स है। तो हमारा फंक्शन है समाकलन e की पावर x है x माइनस वन अपॉन x प्लस वन प्लस टू अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर। ये dx, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास में e की पावर x, fx और f dx x। तो अब ये सीधा ही आंसर लिख देंगे, e की पावर x x माइनस वन अपॉन x प्लस वन और ये कांस्टेंट। तो हमें fx और fx x को पहचानना है और फिर आंसर लिख देना है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आज हमने प्रश्नावली 7.6 के उदाहरणों को अच्छी तरह से समझा है बच्चों। नेक्स्ट सेशन में हम प्रश्नावली 7.6 के प्रश्नों को समझेंगे। धन्यवाद बच्चों।